क्रिस, बाहर आवाज आ रही है, लैपट की आवाज है, लैपट की। टाइम भी अभी 10:04 ही हुए हैं, अभी मुझे टेंट में आए हुए भी आधा घंटा हुआ था। बाहर आवाज आ रही है, देखिए मैं टेंट के बाहर निकल चुका हूँ देखने के लिए। और देखिए गाइस, यू क्या था, जल्दी टेंट में जाता हूँ। बस यही यहाँ सबसे ज्यादा खतरा है जंगली जानवरों का। जैन दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक और नए कार कैंपिंग ब्लॉग में। तो आज अपनी होने वाली है कार कैंपिंग और उसके साथ टेंट कैंपिंग, क्योंकि आप लोगों के कमेंट आ रहे थे कि आप कार से कैंपिंग कर रहे हो लेपर्ड के इलाके में जाके, और जैसी आवाज़ आती है लेपर्ड दिखता है कार के अंदर चले जाते हैं, तो क्या एडवेंचर है। तो गाइस, आज होने वाला है एडवेंचर, मैं कार के साथ में पास में टेंट को ही पिच करूँगा, और आज अपन जो रुकेंगे वो टेंट के अंदर रुकूँगा, और अपनी सोलो कैंपिंग है, अकेला ही मैं टेंट के अंदर पूरी रात गुजारूँगा। एडवेंचर वीडियो होने वाली है, चैलेंजिंग है, लेकिन देखते हैं रात को क्या होता है। कोशिश रहेगी कि पूरी रात टेंट के अंदर ही गुजारूं, चाहे लेपर्ड कुछ भी करे। और जैसा आप देख रहे हैं अंधेरा हो चुका है, और थोड़ी देर में पूरा फुल अंधेरा हो जाएगा, उससे पहले अपना टेंट को पिच कर लेता हूँ। और गाइस, जंगली जानवरों की आवाज़ आनी शुरू हो चुकी है। अभी तो पूरी रात अंधेरा भी नहीं हुआ, तभी देखिए कितनी आवाज़ आनी शुरू हो चुकी है। लेकिन गाइस, चैलेंज लिया है तो पूरा तो करना है, जो भी होगा रात को देखा जाएगा। बस टेंट अपना लगते ही उसके बाद डिनर बनाना शुरू करूँगा। तो फ्रेंड्स, टेंट तो अपना पिच हो चुका है, बस इसके अंदर मैट बिछा देता हूँ और अपना कुकिंग का सामान निकाल कर टेबल पर जमा लेता हूँ। इधर लग चुका है अपना टेंट, ये देखिए, और इधर मैंने लगा दिया है अपना कुकिंग का सेटअप, और लोकेशन देखिए सामने, इधर ये गंगा जी है। और गाइस, इसके आपको पीछे दिखाऊं, ये देखिए पूरा अंधेरा है फुल, ये देखिए फुल अंधेरा है, ये देखिए चार तरफ गाइस अंधेरा ही अंधेरा है, क्योंकि आज मैं आने में लेट हो चुका हूँ। लेकिन कोई नहीं गाइस, चैलेंज है, रात को ही पूरा होगा। देखिए इधर खड़ी है अपनी कार, और मैंने यहाँ पे एक लाइट लगा दी है, क्योंकि इधर बैठ के मैं खाना बनाऊँगा। तो चलिए गाइस, बस अपना जल्दी से डिनर बना देता हूँ, क्योंकि अंधेरा काफ़ी हो चुका है, टाइम भी 7 बजने वाले हैं। तो आज मैं बनाने वाला हूँ पनीर और चावल, पनीर के साथ में चावल बनेंगे,
मस्त खाएंगे आराम से। तो गाइस सबसे पहले चावल बना लेता हूँ, उसके बाद में पनीर की सब्जी बनाऊंगा। और पहले लगा लेता हूँ गैस स्टोव को। और गाइस गंगा के तट पे टेंट लगाने में मजा आ रहा है, लोकेशन बिल्कुल प्यारी लग रही है, मस्त। इधर अपनी कार खड़ी है पास में, क्योंकि गाइस चैलेंज के साथ साथ थोड़ा सेफ्टी का भी तो ध्यान रखना पड़ेगा। तो इसमें पानी बॉयल होने के लिए रख देता हूँ चावल के लिए। और हाँ गाइस, जब तक अपना चावल का पानी बॉयल होता है और चावल बनते हैं, तब तक हम खाते हैं दही बल्ले, क्योंकि मैं घर से ही लेके आया हूँ दही बड़े। तो इतना आराम से बैठ के, क्योंकि अभी खाना बनाने में काफ़ी टाइम लगेगा, तो अपना आराम से इतना दही बल्ले इंजॉय करता हूँ। उसके बाद डिनर बनाएगा अपना, आराम से बनाऊंगा डिनर को, एक दो घंटे में, कोई दिक्कत नहीं है, फिर अपना डिनर खाऊंगा। तो ये देखिए गाइस, ये रहे अपने दही बल्ले, जिसे दही बड़े बोलते हैं। और अब अपना दही बड़े को खाते हैं। ये देखिए गाइस, गाइस दही बड़े खाने में मजा आ रहा है, फुल आनंद। किस किस के दही बल्ले फेवरेट है कमेंट जरूर करना, शायद आने वाली वीडियो में दही बल्ले ही बनाऊं। वाह मजा आ गया गाइस। और गाइस अपना पानी भी बॉयल हो चुका है, अब इसमें डाल देता हूँ चावल। तो गाइस चावल डाल दिए हैं, बस अब चावल को बनने के लिए छोड़ देता हूँ, तब तक अपना दही बड़े को फिनिश करता हूँ। तो गाइस दही बड़े तो अपने खा लिए हैं, बस चावल भी अपने बनने ही वाले हैं। बस गाइस चावल भी बॉईल होने वाले हैं। तो फ्रेंड्स चावल तो अपने बन चुके हैं, अब काट लेता हूँ प्याज और टमाटर। पहले काटता हूँ सबसे पहले टमाटर को। फुल अंधेरा हो चुका है, टाइम भी 7:30 हो गया गाइस। विंटर के दिन है, जल्दी ही रात हो जाती है। तो गाइस टमाटर तो कट चुके हैं, अब काट लेता हूँ प्याज को। देखिए गाइस अभी से ही जंगली जानवर आने शुरू हो गए हैं, ये देखिए, ये देखिए वो जा रहे हैं, दिख रहे हैं आपको, है देखिए वो गए।
तो गाइस अभी से ही यहाँ पे जंगली जानवर आने शुरू हो गए हैं, बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ रहा है। पीछे भी ध्यान रखना पड़ रहा है। और देखिए इधर अपनी अभी तो प्याज ही काट रहा था, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि जैसे कोई चीज गुजरी हो। जैसे ही मैंने लाइट मार के देखा तो वहाँ सामने ही गुजर रहा था, पता नहीं क्या थे, दो तीन थे, लेकिन कोई नहीं गाइस, बस जल्दी से अपना प्याज को काटता हूँ। गाइस प्याज को बारीक बारीक चॉप करना पड़ेगा। देखिए गाइस बिल्कुल मेरे पीछे, जस्ट बिल्कुल टेंट के पीछे ही, और इधर से देखिए कितनी आवाज आ रही है। बस यही यहाँ सबसे ज्यादा खतरा है जंगली जानवरों का। देखिए गाइस अब मैंने लाइट मारी, टॉर्च मारी, तो वो चीजें भाग चुकी है, नहीं तो यहीं पे देखिए कितनी आवाज आ रही थी। और कुत्ते भी भौंक रहे हैं दूर, बहुत दूर। गाइस पता नहीं चलता क्या चीज आ जाए, हम सोचे गिद्दड़ है या कुत्ता है, क्योंकि यहाँ लेपर्ड का बहुत ज्यादा खतरा है, लेपर्ड ही है यहाँ। पिछली वीडियो में मुझे बिल्कुल मेरे पास में ही घास में दिख गया था, इसलिए मैंने वहां से थोड़ा दूर हटके 50 मीटर के आसपास दूरी पर जाके आज यहाँ पे बिल्कुल तट पे ही गंगा के टेंट लगाया है, क्योंकि घास के पास लगाना खतरनाक है झाड़ियों के पास। तो गाइस प्याज अपनी कट चुकी है, बस तो अब पनीर बनाना शुरू करता हूँ। और गाइस आज मुझे लगता है, क्योंकि जैसे यहाँ जंगली जानवरों की आवाज आ रही है और अंदर से फीलिंग आ रही है, लगता है आज लेपर्ड पक्का कैमरे में कैप्चर करूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, क्योंकि चैलेंज के तौर पे आया हूँ और टेंट के अंदर ही रहूँगा, गाड़ी के अंदर नहीं जाऊँगा। आप लोगों से प्रॉमिस किया है कि टेंट के अंदर रहूँगा, तो टेंट के अंदर ही रहूँगा, यही चैलेंज है। आज मुझे लग रहा है कि मैं लेपर्ड को पक्का कैप्चर कर सकता हूँ, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि आज फीलिंग आ रही है आज भी कि लेपर्ड आसपास है। और चलिए बस अपना पनीर बनाना स्टार्ट करता हूँ। और इसमें गाइस अब डाल लेता हूँ ऑयल। कुत्ते भौंक रहे हैं, लग रहा है कुछ ना कुछ आसपास है, बस अपना जल्दी से सब्जी बना लेता हूँ। जंगली जानवरों की आवाज आ रही है और कुत्ते इसीलिए भौंक रहे हैं। लेकिन गाइस डट के सामना करना है आज, चाहे कुछ भी हो जाए। आज ये है ना, ये इससे चीर दूंगा लेपर्ड हो गाइस, चाहे कोई भी जानवर हो, चाहे आज गाइस आमने सामने की लड़ाई होगी। देखिए कुत्तों के भौंकने की आवाज़ें आ रही है और जंगली जानवरों की, इसीलिए कुत्ते भौंक रहे हैं क्योंकि आसपास जंगली जानवरों की आवाज़ें आ रही है ना। तो अब डाल लेता हूँ टमाटर, क्योंकि प्याज तो अपनी फ्राई हो चुकी है। और गाइस टमाटर गलाने के लिए इसमें डाल लेता हूँ थोड़ा सा नमक। तो प्याज टमाटर तो गाइस भून चुके हैं, अब इसमें कर लेता हूँ मसाले ऐड, धनिया पाउडर, थोड़ा सा हल्दी पाउडर, थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर,
अब तो गाइस जंगली जानवरों की आवाज़ आने बंद हो गई है, लेकिन बहुत ज़्यादा आ रही थी थोड़ी देर पहले। अब इसमें डाल लेता हूँ गाइस थोड़ा सा पानी। और इसमें डाल देता हूँ पनीर, ये मैंने काट के रखा है पनीर, ये देखिए। बनने के लिए छोड़ देता हूँ, तब तक एक बार आपको लोकेशन दिखा देता हूँ कि लोकेशन कितनी ज़्यादा ख़तरनाक हो चुकी है, क्योंकि अब टाइम गाइस धीरे धीरे 8:30 बज चुके हैं, पता नहीं चला कब 8:30 बज गए। तो गाइस देखिए लोकेशन, देखिए ये देखिए लोकेशन, इधर गंगा जी और इधर है गाइस अपना टेंट, और देखिए इधर बन रहा है अपना पनीर, इधर खड़ी अपनी गाड़ी। और देखिए गाइस हमें इधर से ही खतरा है लेपट के आने का, सबसे ज़्यादा इधर से ही। बस गाइस अपना डिनर बनने वाला है, अपना डिनर करते हैं और सीधा अपने टेंट के अंदर चला जाऊँगा। तो गाइस पनीर अपना बन चुका है, बस अब अपना डिनर करता हूँ। चावल को मैं इसमें मिला लेता हूँ गाइस, क्योंकि इसमें ही अपना आराम से चावल खा लूँगा, कोई दिक्कत नहीं। डिनर खाना स्टार्ट करता हूँ, बस तो अपना डिनर खाना स्टार्ट करता हूँ। ये देखिए गाइस अल्टीमेट, गाइस अल्टीमेट, मैंने बहुत दिनों बाद अपनी कैंपिंग में पनीर और चावल बनाए हैं, एक नंबर मस्त बने हैं। देखिए पनीर भी काफ़ी क्वांटिटी में है और अकेले के लिए काफ़ी है, मज़ा आ गया गाइस। लेपर्ड की टेरिटरी में पनीर चावल खाने का मज़ा ही अलग है। तो चलिए पहले डिनर को फिनिश करता हूँ, उसके बाद मिलता हूँ। तो गाइस डिनर हो चुका है अपना कंप्लीट, और टाइम देखिए डिनर करने करने में टाइम 9:30 बज चुके हैं। तो बस गाइस अब अपना सामान को थोड़ा रख देता हूँ, लेकिन सामान भारी रखा रहने दूंगा, यहाँ चोरी वोरे का कोई ख़तरा नहीं है, कि जंगल में यहाँ कोई नहीं आता। बस अब अपना आराम से सोता हूँ, क्योंकि बाहर रुकने से कोई फ़ायदा तो है नहीं, ख़तरा ही और ज़्यादा है, तो इसलिए बस अपना टेंट में चलता हूँ, अपना आराम से अंदर ही लेटूँगा। गाइस पीछे से आवाज़ आ रही है, पता नहीं किस चीज़ की है इधर से। बस गाइस आवाज़ें आने तो कोई दिक्कत नहीं, अपना डिनर हो चुका है, अपना टेंट के अंदर जाऊंगा अब मैं। जैसे भी होगा आवाज़ें आए, लेपर्ड है, पूरा कैप्चर होगा अगर आ जाएगा तो। बस लाइट बंद कर देता हूँ, मुझे गाड़ी पे लगाइए, और गाड़ी की डिग्गी को बंद कर देता हूँ। तो चलिए बस गाइस अब अपना टेंट में चलता हूँ। चाकू तो ये था गाइस भारी। अरोस बहुत ज्यादा पड़ गई है, पूरा टेंट गीला हो गया है। अभी 10:04 ही हुए हैं, अभी मुझे टेंट में आए हुए भी आधे घंटा हुआ था, और इधर पीछे आवाज थी। देखिए गाइस देखिए, अब सामने की तरफ आवाज है, सामने की तरफ, बिल्कुल सामने की तरफ।
बिल्कुल सामने आवाज़ है गाइस, बिल्कुल सामने। पहले इधर थी, फिर इधर से लगता है लेपर्ड ऐसे घूम के और सामने की साइड गया, सामने की। गाइस आज लेपर्ड को कैप्चर करूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं टेंट को खोलता हूँ और अपनी टॉर्च ले लेता हूँ और आज बाहर निकल के पक्का देखूंगा। चलिए गाइस, बाहर आवाज आ रही है। देखिए मैं टेंट के बाहर निकल चुका हूँ देखने के लिए, और देखिए गाइस यू क्या था। जल्दी टेंट में देखिए गाइस, आज तो लेपर्ड आपको दिख ही गया होगा, बिल्कुल सामने था, बिल्कुल सामने, बिल्कुल सामने। लेकिन गाइस आज चैलेंज है, देखिए बाहर आवाज भी आ रही है। आज चैलेंज है गाइस, मैं टेंट में रहूंगा, गाड़ी में नहीं जाऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। टेंट को मैंने बंद कर लिया है, बिल्कुल सामने मैंने निकल के देखा, क्योंकि मुझे पता था आज मुझे कैप्चर करना है कैमरे में। मैंने निकल के देखा तो बिल्कुल सामने ही खड़ा है, बिल्कुल सामने, मुश्किल से मुश्किल टेंट से 10 मीटर दूर होगा, बिल्कुल सामने ही। लेकिन गाइस मुझे टेंट के अंदर आना पड़ा, क्योंकि जान है तो जान है, अगर जिंदा रहूंगा तो ही कैंपिंग करूंगा, तो इसलिए रिस्क लेने में, क्योंकि मेरे पास कोई इतना खास हथियार भी नहीं है, केवल मेरा एक चाकू है, और चाकू के बलबूते में मैं लेपर्ड से सामना नहीं कर सकता, इसलिए मैं टेंट के अंदर आ चुका हूँ गाइस। गाइस बहुत भयंकर था, दिल धक धक कर रहा है गाइस लेपर्ड को देख के। लेकिन हाँ ये है गाइस, आज दिल खुश हो गया, क्योंकि लेपर्ड को मैंने कैमरे में कैप्चर करके आप लोगों को बिल्कुल दिखा दिया सामने। इसीलिए मैं चैलेंज करने के लिए आया था कि मेरा चैलेंज सक्सेसफुल होगा, और गाइस चैलेंज सक्सेस हो चुका है। बस गाइस अब ज़्यादा बोलता नहीं हूँ, अपना आराम से मैं सोता हूँ, क्योंकि लेपर टेंट के बाहर ही है। अगर मैं ज़्यादा यहाँ शोर मचाऊँगा तो वो टेंट पे अटैक भी कर सकता है, क्योंकि ख़तरा तो है मुझे, मैं अकेला हूँ। तो चलिए गाइस बस अब लाइट को बंद कर देता हूँ और अपना। गाइस काफ़ी देर हो चुकी है, लेपर बाहर ही बैठा है, उसकी बार बार गुर्राने की आवाज़ आ रही है, लेकिन मैं टेंट के अंदर सेफ हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। और अब टाइम भी लगभग 11:30 हो चुके हैं, काफ़ी देर हो गई मुझे जगता जगता, 1 घंटे से ज़्यादा हो गया। बस अब अपना आराम से सोता हूँ, क्योंकि ये तो बाहर ही रहेगा, इसका इलाका है, इसके इलाके में मैं हूँ, या तो मैं चला जाऊँ यहाँ से, ये तो जाएगा नहीं। तो बस गाइस कुछ नहीं, अपना आराम से सोता हूँ, अब देखते हैं जो भी रात को होगा देखी जाएगी। चैलेंज है, मंजूर है, जो भी होगा देखा जाएगा। तो गाइस बस अब अपना सोता हूँ, गुड नाइट फ्रेंड्स।